नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अमन कुमार। आप देख रहे हैं अमन टेक सपोर्ट यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि न्यूगो एप्लीकेशन को आप अपने मोबाइल में कैसे डाउनलोड कर सकते हैं और आप अपना अकाउंट उसमें कैसे क्रिएट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आपको आ जाना अपने प्ले स्टोर पे। प्ले स्टोर पे आने के बाद आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके से इसको डाउनलोड करके यहाँ पे ओपन कर लेना। जब आप ओपन करेंगे, आपके सामने कुछ इस तरीके का इसका इंटरफेस ओपन होके आ जाएगा। आप इसको स्किप करते चले जाइए। स्किप करेंगे तो आपको यहाँ पे सारे इसके ऑप्शंस दिख जाएंगे, फीचर्स दिख जाएंगे जो भी हैं, ठीक है। और आप स्किप करेंगे तो आप इस तरीके से नेक्स्ट करते चले जाएंगे। मैनेज योर बुकिंग एंड गो करेंगे तो गेट स्टार्टेड पे क्लिक कर लीजिए। क्लिक करने के बाद आपके सामने सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना कॉन्टैक्ट नंबर डालना है। कॉन्टैक्ट नंबर के बाद गेट ओटीपी करेंगे। आपको यहाँ पे एक ओटीपी इसका इसमें यहाँ पे मिल जाएगा और आप उसको सबमिट करने के बाद आपके सामने कुछ यहाँ पे इसका इस तरीके से इसका इंटरफेस ओपन होके आ जाएगा। तो दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं एंटर डिपार्टेड एरिया। तो आप यहाँ पे अपनी देख सकते हैं, आपको जहाँ पे भी जाना है आप उस एरिया की बुकिंग यहाँ पे आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तो दोस्तों, ऐप को नीचे थोड़ा स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पे लिखा है नाउ रिजर्व यू स्टे विद booking.com। तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि ये जो एप्लीकेशन है, ये आपको होटल वगैरह, अगर जैसे आप कहीं जा रहे हैं, आपको होटल वगैरह भी बुकिंग करना है साथ में, तो आप वो भी यहाँ पे कर सकते हैं। तो अभी तो हम नीचे बैक करते हैं। तो इसके नीचे ऑफर्स का एक ऑफर आ रहा है, तो ये दोस्तों एक्सपायर हो गया, जो इनका एक ऑफर चल रहा था भोपाल से लेके इंदौर तक का। इसके बाद नीचे फाइंड आउट, तो नीचे भी ऑप्शन आते जाएंगे। अब यहाँ पे लिखा है न्यू गो लॉज, तो इसके लॉजेस हर जगह आपको यहाँ पे मिल जाएंगे जहाँ जहाँ पे इनकी सर्विसेज अवेलेबल हो गई हैं। आप यहाँ पे इनकी देख सकते हैं, इनके यहाँ पे क्या क्या है लॉजेस में आपको फीचर्स मिल जाते हैं जो भी इनके लॉज बने हुए। जैसे यहाँ पे लिखा है क्लीन वॉशरूम, फ्री वाईफाई, क्लीन एरिया पॉइंट, एयर कंडीशनर, चार्जिंग पॉइंट, कैफ़े, रेस्टोरेंट, से ये सारे आपको यहाँ पे इनके जो भी फीचर्स हैं इनके लॉज में मिल जाते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे जाके स्टे कर सकते हैं, जो भी आपका जैसे थोड़ा बहुत रेस्ट करना है ट्रैवल के टाइम पे। तो अब यहाँ पे बैक करके चलते हैं, थोड़ा सा बैक करते हैं। और आपको यहाँ पे देखिए, ये सारे यहाँ पे इनके ऑफिस बने हुए हैं जहाँ जहाँ पे इनके सर्विस पॉइंट्स हैं, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। आपको जहाँ से भी आपकी बुकिंग लेनी है, तो अब नीचे ऑप्शन आ रहा है माई बुकिंग्स का। जब आप कोई बुकिंग यहाँ पे आप करेंगे बुक, तो आपको वहाँ पे देख सकते हैं सपोर्ट्स में अभी अंडर प्रोसेस चल रहा है। और आप प्रोफाइल पे आ जाइए दोस्तों। अगर आप अपना अकाउंट बना रहे तो इसकी प्रोफाइल ज़रूर अपडेट कर लीजिए। तो प्रोफाइल इसकी कैसे अपडेट करेंगे, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना नेम डाल देना है। जैसे आप अपना नेम डाल दीजिए, ठीक है। उसके बाद आपकी जो भी एज है, एज डाल सकते हैं, और जेंडर डाल दीजिए। उसके बाद अपना ईमेल आईडी जरूर डालिए, क्योंकि जो भी आप बुकिंग करेंगे तो उस पर वो आपका जो बुकिंग है, टिकट है, वो आपका यहाँ पे रिसीव हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे अगर प्रोफाइल पिक्चर वगैरह भी लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर अपडेट कर लेता हूँ, ठीक है। इन फ्यूचर जब भी आप कभी टिकट वगैरह बुकिंग करते हैं तो आपको ये सारे वर्क पहले ही आप यहाँ पे कंप्लीट कर चुके होंगे, तो इसलिए आपको यही बेनिफिट हो जाएगा इसमें, ठीक है। जो भी आपकी प्रोफाइल वगैरह लगा सकते हैं, और आप यहाँ पे सेव चेंजेस कर दीजिए तो आपकी यहाँ पे प्रोफाइल कंप्लीट हो जाएगी। और इस तरीके से आपका न्यूगो बस एप्लीकेशन में आपका अकाउंट यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। इन फ्यूचर आप कभी भी टिकट वगैरह करते हैं तो आपको ये सारी डिटेल्स यहाँ पे आपको फिल नहीं करनी पड़ेगी। तो हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में।